हेलो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपना दीदी का घर जा रहा हूँ। तो दीदी का घर जाने के बाद मैंने देखा तीन रूम में अलग अलग ब्रांड का एसी लगवाया है। तो मेरा भगना भी बोल रहा था तीनों के बारे में थोड़ा बहुत एक वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने जितना हो सके जल्दी जल्दी में एक वीडियो आप लोगों के लिए शूट किया। तो ये है सैमसंग ब्रांड का 3 स्टार रेटिंग के साथ डेटोन का एसी जो 8 साल पुराना है। अब तक कोई साउंड या तो कूलिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत अच्छा सर्विस है। दूसरा जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ वो LG का है। इसका इंडोर जो पार्ट है वो आप लोग अच्छा से देख लीजिए, ये देखने से भी छोटा है। 10 ईयर्स वारंटी, ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ 3 स्टार रेटिंग और फिर डेटोन का एसी है ये। और सबसे बड़ा बात है इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो बाकी दोनों में से बहुत ही अलग है। इसमें जो कूलिंग सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है और ये जिस रूम में लगाया गया है ये रूम बाकी रूम से बड़ा है। और फिर ये बहुत ही जल्दी ठंडा कर लेता है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले इसको ऑन किया था तो आप लोग देख पा रहा है ये चल रहा है। और अभी मैं आप लोगों को रिमोट भी दिखा देता हूँ। रिमोट कंट्रोल में बहुत सारा फंक्शन, अलग अलग मोड दिया गया है और इसमें हिमालय कूलिंग सिस्टम भी है जो बहुत गर्मी की मौसम में भी काम आ जाता है। और फिर ये देख लीजिए आउटडोर पार्ट, बाकी दोनों एसी में से ये वाला पार्ट जो है ये भी बहुत बड़ा साइज़ का है। और दोस्तों ये सबसे अच्छा एसी है, ये अगरतला LG स्टोर से लिया गया है। और अभी जो दिखाने जा रहा हूँ वो वर्लपूल का आ रहा है, ये भी 3 स्टार रेटिंग के साथ 6 सेंसर ऐसा कुछ फंक्शन दिया गया है। और ये है रिमोट कंट्रोल, इसमें बहुत ही अलग अलग फंक्शन है, इसमें आप लोग देख लीजिए। ये वाला जो एसी है फ्लिपकार्ट से लिया गया है। और दोस्तों इसका जो इंडोर पार्ट है ये देखने से बहुत ही शानदार है। इसका जो डिस्प्ले है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, साइज़ में काफ़ी बड़ा है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। और फिर आउटडोर का जो पार्ट है ये छोटा है, बाकी एसी में से ये छोटा है। दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरों को देखने के लिए मौका मिल जाए।